हजरत मखदूम शाह बाबा और माँ साहब को सलामी देगी। परेड चंद्र सरोट सलामे शस्त्र। अभी अभी आप सभी ने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने पहली बार हज़रत मखदूम महीम के दरगाह के आगे सल्यूट करा। इस वीडियो को इस कॉन्टेक्स्ट के साथ शेयर किया जा रहा है कि देखिए कैसे मखदूम महीमी के दरगाह पर मुंबई पुलिस ने शिवसेना के कहने पर सल्यूट करा। दरअसल मखदूम महीमी एक 17 सेंचुरी के सेंट और स्कॉलर थे जो तुगलक डायनेस्टी में बहुत मशहूर थे। उनके मरने के बाद ही वहाँ पर दरगाह बना दिया गया, जहाँ उनके फॉलोअर्स आज भी आते रहते हैं। इस दरगाह को महीम दरगाह के नाम से जाना जाता है। लोग इसी के कॉन्टेक्स्ट में वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि शिवसेना हिंदूफोबिक है और इस्लाम को प्रमोट करने वाली पार्टी है। द लॉजिकल इंडियन ने इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करा तो पाया कि ये वीडियो फेक कॉन्टेक्स्ट के साथ शेयर किया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूँ द लॉजिकल इंडियन की फैक्ट चेक टीम से यूषा, और आज हम बात करेंगे कि क्या मुंबई पुलिस ने पहली बार महीमी दरगाह को सल्यूट करा। हमने पाया कि मुंबई बेस्ड डिजिटल मीडिया हाउस F3 न्यूज़ ने 30 दिसंबर 2020 को ये फोटो ट्वीट की थी, ये कहकर कि ये महीम दरगाह पर हो रहे उस सेलिब्रेशन का है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक तस्वीर ट्वीट करी थी जिसमें पुलिस वाले चादर ले जाते दिख रहे थे। इस तस्वीर को इस कैप्शन के साथ शेयर करा गया कि महीमी दरगाह में उर्स में पहली चादर चढ़ाती हुई मुंबई पुलिस। हमने पाया कि ये बरसों से होता चला आ रहा है। स्क्रॉल के एक आर्टिकल में लिखा था कि मुंबई पुलिस मखदूम महीमी में अपनी श्रद्धा रखती है और ये मानती है कि वो इन्हें रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए महीमी के डेथ एनिवर्सरी पर जब वहाँ उर्स मनाया जाता है, तब मुंबई पुलिस सबसे पहली चादर चढ़ाती है। इससे ये बात साफ होती है कि महीमी दरगाह के उर्स में पुलिस ने हिस्सा लिया था। अब देखते हैं कि क्या पहली बार शिवसेना के राज में ऐसा हुआ। नवभारत टाइम्स ने भी एक आर्टिकल पब्लिश करा May 2, 2018 को, जिसमें उर्स सेलिब्रेशन की बात बताई गई थी। आपको बता दें, 2018 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और वो बीजेपी से हैं। मतलब ये बात साफ होती है कि बीजेपी के समय में भी ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उसमें भी पुलिस का पार्टिसिपेशन था। हमने दरगाह ट्रस्ट से बात करी, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसा बरसों से होता आ रहा है। दरअसल कहानियों की माने तो एक बार एक स्मगलर को पकड़ने में एक बूढ़े आदमी ने पुलिस वालों की मदद करी। पुलिस वालों को लगा कि ये बूढ़े आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद संत महीमी थे। तब से मुंबई पुलिस महीमी में अपनी आस्था रखती है और उर्स के दिन पहली चादर वही चढ़ाती हैं। इससे ये बात साफ होती है कि ये पहली बार नहीं था जब मुंबई पुलिस ने महीमी दरगाह के सामने सल्यूट करा। ये बरसों पुरानी प्रथा है। ऐसे ही किसी भी इमेज, वीडियो या न्यूज़ के पीछे का सच जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6364000343। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।